नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर चिला बिजनौर के सिहारा से है, जहां उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन के अंतर्गत प्रदेश अध्यक्ष द्वारा चल रही प्रादेशिक प्रवास एवं सद्भावना यात्रा का प्रदेश चेयरमैन व जिलाध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा के नेतृत्व में भव्य स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वर्मा ने सभी स्वर्णकार समाज के लिए एकता का आह्वान करते हुए कहा कि स्वर्णकार समाज को किसी भी स्तर पर किसी भी अधिकारी से डरने या दबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्णकार सबसे ज्यादा टैक्स की भरपाई कर सरकारी मशीनरी को मजबूत करने का काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वर्णकार समाज का उत्पीड़न जारी है, जिसका विरोध हम और हमारा संगठन बड़े स्तर तक करता है। साथ ही उन्होंने सरकार से हर स्वर्णकार के लिए शस्त्र लाइसेंस और पर्याप्त सुरक्षा की मांग को भी दोहराया। सफल और भव्य कार्यक्रम के आयोजन पर मुकुल वर्मा ने अरुण कुमार वर्मा का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें एसोसिएशन का सबसे जाबाज और सक्रिय पदाधिकारी बताते हुए उनकी तारीफ की। कार्यक्रम के बीच जहां जिले भर से आए पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया, तो वहीं पत्रकार अमीन अहमद, नजम सिद्दीकी, इमरान सिद्दीकी और इकबाल अंसारी को भी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सम्मानित करते हुए मीडिया को बेहद जरूरी और मजबूत स्तंभ बताया। कार्यक्रम का संचालन अरुण कुमार वर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान रतन लाल वर्मा, विनोद कुमार वर्मा, रवि वर्मा, डॉक्टर सौरभ वर्मा, जिला मंत्री विपिन वर्मा, सोनू वर्मा, राजीव कुमार वर्मा, पूनम वर्मा, अमन वर्मा, अशोक वर्मा, अनिरुद्ध वर्मा, अक्षय वर्मा, अमित वर्मा, कपिल वर्मा, रजत वर्मा सहित जिले भर से भारी संख्या में स्वर्ण व्यापारी मौजूद रहे। जी, मैं मुकुल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार समाज। आज ये यात्रा हम लोगों की एक प्रादेशिक भव्य यात्रा निकाली गई है, जिसमें पश्चिम क्षेत्र पूरा कवर किया गया है। इस पश्चिम क्षेत्र में एक जिला बिजनौर भी आता है। आज हम लोग वहाँ बिजनौर सिहारा में आए हैं और उसका उद्देश्य हम लोगों का सिर्फ ये है कि एक स्वर्णकार जागरूकता और स्वर्णकार को एक मोती में पिरोने का, एक माला में पिरोने का हम लोग काम करने आए हैं। इसके बाद हम लोगों की ये जो बैठक है वो आगे हापुड़, अलीगढ़, हाथरस और उसके बाद आगरा में इसका समापन हो जाएगा, और इससे पहले बागपत, शामली और बुलंदशहर, उसके अलावा अन्य जिलों में हम लोग कर चुके हैं और ये बैठक आगे भी चलती रहेंगी। और इसमें हम लोगों की मांगे भी कई हैं, जो 411-12 संबंधित जो दिक्कतें हैं, लोगों को जो दिक्कतें आ रही, उसके लिए भी हम लोगों ने सरकार से मांग करी है कि अनर्गल किसी भी व्यापारी भाई को उठाया ना जाए। शस्त्र लाइसेंस की मांग करी है, जिसमें शस्त्र लाइसेंस की मांग, क्योंकि आजकल सॉफ्ट टारगेट हो गया है ज्वेलर्स, तो हम लोग चाहते हैं कि शस्त्र लाइसेंस की भी एक मांग हो। और इसके साथ साथ एक स्वर्ण कला बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्योंकि एमपी में इसका गठन हो चुका है, तो अपने यूपी में भी हम लोगों ने स्वर्ण कला बोर्ड की मांग करी है। प्रदेश लेवल पर कार्य कर रहे हैं आप जी। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।